अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोलियोमेलाइटिस। डेफिनेशन, पोलियोमेलाइटिस इज़ अ वायरल डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट नर्वस एंड कैन लीड टू पार्शियल और फुल पैरालिसिस। इट इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, आरएनए वायरस। पोलियोमेलाइटिस क्या है? एक वायरल डिजीज़ जो कि अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम की नर्व्स को, और ये लीड करता ले जाता है पार्शियल या फुली पैरालिसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। और ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो कि होता है पोलियो वायरस की वजह से, जो कि आरएनए वायरस भी कहलाता है। और इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, और इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इन्फेंट्स को होता है। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है कि वो वायरस के आपकी बॉडी के आने तक के पीरियड और सिम्टम शो करने तक के जो पीरियड होता है उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जो कि 5 to 35 days होता है। इसका एवरेज 7 to 14 days। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एक दूसरे से दूसरे पर्सन में किस तरह जाता है, किस तरह ट्रांसमिट होता है एक से दूसरी जगह? फीको ओरल रूट से और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? पोलियो वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जब होता है तब ये फैलता है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड म्यूकस और फ्लेगम फ्रॉम द नोज़ और माउथ से, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन हो उसके म्यूकस से और फ्लेगम, फ्लेगम क्या है जो कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस बनता है उसको फ्लेगम कहा जाता है। ये जब नोज़ और माउथ से बाहर आता है और इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ से बाहर आता है, किसी भी कॉन्टैक्ट दूसरे पर्सन के जाएगा तो उसको हो जाएगा। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड फीसिस और इन्फेक्टेड फीसिस होंगे उनसे, उनके कॉन्टैक्ट में आएगा तब भी उसको हो जाएगा। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो, या अगर उसके इम्यूनाइजेशन उसे नहीं करवाई होगी पोलियो के ख़िलाफ़, उसकी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी तब भी उसको पोलियोमेलाइटिस हो जाएगा। ट्रैवल टू एन एरिया दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ पोलियो आउटब्रेक, उस जगह ट्रैवल करना उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादातर पोलियो के केसेस हुए हुए हों। द डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन द समर एंड फॉल, ये डिजीज़ ज़्यादातर समर में, जो कि समर आता है जून से अगस्त में, एंड फॉल, फॉल जो कि जिसको ऑटम कहा जाता है, और ये सितंबर टू नवंबर में आता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? देर आर थ्री बेसिक पैटर्न्स ऑफ पोलियो इन्फेक्शंस, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, नॉन पैरालिटिक एंड पैरालिटिक। सी ये तीन हैं। अबाउट 95% ऑफ इन्फेक्शंस आर सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस विच मे नॉट हैव सिम्टम्स, जिनके ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन सिम्टम्स जनरल डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस, मलेस जो कि जिन की ज़्यादा परेशानी हुए, बेचैनी वगैरह, इसको मलेस भी कहा जाता है। हेडेक, सर में दर्द, रेड थ्रोट जो कि हेल्दी थ्रोट होता है, इसका पिछला हिस्सा रेड हो जाएगा तो उसको रेड थ्रोट कहा जाता है। उसके बाद स्लाइट फीवर, हल्का बुखार होगा, सोर थ्रोट कि जिसमें इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो उसको सोर थ्रोट कहा जाता है। उसके बाद वॉमिटिंग। क्लिनिकल पोलियोमेलाइटिस क्या होता है? इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। एंड इज़ डिवाइडेड इनटू नॉन पैरालिटिक एंड पैरालिटिक फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है, नॉन पैरालिटिक एंड पैरालिटिक फॉर्म्स में। इट मे ऑकर आफ्टर रिकवरी फ्रॉम अ सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, और ये हो सकता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से रिकवरी के बाद। नॉन पैरालिटिक पोलियोमेलाइटिस में क्या होता है? बैक पेन और बैक इश होते हैं, यानी कि कमर में दर्द, डायरिया, लूज मोशन, एक्सेसिव टायर्डनेस, फैटीक, थकावट, हेडेक, सर में दर्द, इरिटेबिलिटी यानी कि ज़्यादा जल्दी चिड़चिड़ापन या ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाना, लेग पेन यानी कि काफ मसल्स, काफ मसल्स ये हमारे पास ये तीन काफ मसल्स हैं, गेस्ट्रोनिमस, सोलियस एंड एचिलस टेंडन, ये तीन मसल्स काफ मसल्स बनाते हैं, इनमें पेन होगा। मॉडरेट फीवर होगा, मॉडरेट फीवर हमारे पास 102 से 104 फ़ारेनहाइट तक रहता है। मसल स्टिफनेस होगी यानी कि टाइटनेस ऑफ मसल्स होगा। मसल टेंडरनेस एंड स्पैजम इन एन एरिया ऑफ द बॉडी, मसल टेंडरनेस होगी और स्पैजम होंगे यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी उस बॉडी के एरिया में, बॉडी में कहीं पे भी। नेक पेन एंड स्टिफनेस होगी यानी नेक पेन भी होगा और वहाँ पर स्टिफनेस, मसल सख्त हो जाए, टाइट हो जाएंगे। पेन इन फ्रंट पार्ट ऑफ नेक, पेन होगा फ्रंट पार्ट ऑफ नेक में। पेन और स्टिफनेस ऑफ द बैक, आर्म्स, लेग्स एंड अबडोमेन। स्किन रैश होंगे और लीजन्स विद पेन, वॉमिटिंग होगा। सिम्टम यूजली लास्ट 1 to 2 weeks, और सिम्टम्स 1 से 2 weeks तक रहेंगे। पैरालिटिक पोलियोमेलाइटिस में क्या होता है? फीवर 5 to 7 days बिफोर अदर सिम्टम्स, फीवर सबसे पहले इसमें आता है 5 से 7 दिन दूसरे सिम्टम्स से पहले। एबडोमिनल सेंसेशंस बट नॉट लॉस ऑफ सेंसेशन, abnormal sensations but not loss of sensation in an area,
एबनॉर्मल सेंसेशन होंगी कहीं बॉडी में, लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन इसमें नहीं होगी। ब्लोटिंग फीलिंग इन एबडोमिन आ गया कि जिसके इनकी गैस की वजह से या एयर की वजह से पेट का फुल हो जाना। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आएगी, कॉन्स्टिपेशन डिफ़िकल्टी, बिगनिंग टू यूरिनेट, ड्रोलिंग होगा, ड्रोलिंग या एक्सेसिव सलाइवेशन, अनकंट्रोलेबल सलाइवेशन फ्रॉम द माउथ, वो ड्रोलिंग कहलाता है। हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी और पोअर टेम्पर कंट्रोल, इनकी ज़्यादा जल्दी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ज़्यादा जल्दी गुस्सा आएगा, इरिटेट हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शंस और मसल स्पैजम्स इन द काफ, नेक और बैक, मसल पेन होगा। मसल वीकनेस दैट is only on one side or worse on one side, location depends on where the spinal cord is affected. Muscle weakness होगी एक side पर, depend करता है कि spinal cord कहाँ पर affected हुई है। Sensitivity to touch, mild touch may be painful. Sensitivity to touch, जो उसको mild touch करेंगे तब भी उसको pain महसूस होगा। Stiff neck and back, tight muscle tight हो जाएंगे neck के और back के, swelling difficulty उसको होगी। साइंस एंड टेस्ट क्या करवा सकते हैं, हेल्थ के प्रोवाइडर में फाइंड एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस देखिए उसके मूवमेंट एबनॉर्मल होगी, बैक स्टिफनेस होगी, मसल बैक के मसल टाइट हो जाएंगे, डिफ़िकल्टी लिफ्टिंग द हेड और लेग्स व्हेन लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, जब वो फ्लैट लेटा हुआ होगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी हेड या लेग्स को उठाने में। स्टिफ नेक होगी, ट्रबल बेंडिंग द नेक, वो बेंडिंग करने में भी उसको मसला आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवाएंगे, टेस्ट इंक्लूड्स कल्चर ऑफ थ्रोट, स्टूल और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, थ्रोट का, स्टूल का और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, जिसको CSF भी कहा जाता है, इसके कल्चर टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट फॉर लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ टू द पोलियो वायरस, और एंटीबॉडीज़ टेस्ट भी करवाएंगे पोलियो वायरस की कि उसका लेवल कितना है इसकी बॉडी में। ट्रीटमेंट इसके क्या है, सपोर्टिव केयर दी जाती है, यानी कि जो भी इसको पॉसिबल सिम्टम्स आने की कोशिश करते हैं उनकी मैनेजमेंट की जाती है। फिजियोथेरेपी करवाई जाती है ताकि उसकी मूवमेंट करवाई जा सके पार्ट की। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि जो भी इसको बुखार वगैरह है उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। एंटीबायोटिक्स उसमें दी जाती है, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, लेग्जिटिव्स कॉन्स्टिपेशन के लिए। ट्रीटमेंट, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू कंट्रोल सिम्टम्स वाइल द इन्फेक्शन रन इट्स कोर्स। People with severe cases may need life-saving measures, especially breathing help. Treatment का goal क्या होता है कि ज़्यादातर जो symptoms control करते हैं जब तक infections अपना run कर रहा होता है, चल रहा होता है। Symptoms are treated based on their severity. Treatment may include antibiotics for urinary tract infections. और symptom को treat किया जाता है उनकी severity पर कि कितनी severe condition है उनकी, जिसमें antibiotics आ जाते हैं जो कि urinary tract infections के लिए उनको दी जाती हैं। मेडिकेशन सच एस बेथानोकॉल फॉर यूरिनरी रिटेंशन, और मेडिकेशन उनको दी जाती है बेथानोकॉल जो कि यूरिनरी रिटेंशन क्या है कि जब यूरिनरी ब्लडर, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लडर होता है वो फुल हो जाता है, लेकिन जब हम यूरिनेट करने जाते हैं तो फुली एम्प्टी नहीं होता, तो उसको यूरिनरी रिटेंशन कहा जाता है, उसके लिए हम बेथानोकॉल देते हैं। मॉइस्ट हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग पैड्स, वार्म टॉवल्स टू रिड्यूस मसल पेन एंड स्पैजम्स, उसको मसल पेन रिलीफ करने के लिए उसको हीटिंग पैड्स, वार्म टॉवल्स देंगे ताकि वो उसकी वजह से मॉइस्ट हीट उसको प्रोवाइड हो और मसल पेन कम हो और स्पैजम्स भी ना हो। पेन किलर्स टू रिड्यूस हेडेक, मसल पेन एंड स्पैजम्स। नेक्रोटिक्स आर नॉट यूजली गिवन बिकॉज दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रीथिंग ट्रबल। नेक्रोटिक्स भी एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, लेकिन इसमें नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, रिस्क ऑफ ब्रीथिंग ट्रबल कर देते हैं, इनकी सांस की प्रॉब्लम का मसला इसको हो जाएगा नेक्रोटिक्स देने की वजह से। फिजिकल थेरेपी, ब्रेसेस और कोरेक्टिव शूज उसको पहनाएंगे, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी टू हेल्प रिकवर मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। रिपोर्ट अबाउट द केस टू हेल्थ अथॉरिटीज़ को उसकी हेल्थ के बारे में बताएंगे। पेशेंट मस्ट बी आइसोलेटेड, पेशेंट को आइसोलेट कर रखेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीसिस ऑफ पेशेंट, उसकी जो प्रॉपर डिस्पोजल होगी यूरिन की और फीसिस की पेशेंट की करेंगे। मिल्क मस्ट बी पेस्चराइज्ड मतलब इनकी एक खास टेम्परेचर पर कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए दूध को उबाला जाता है, तो उसको पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। अवॉइड ओवर क्राउडिंग से पेस्चराइजेशन टेम्परेचर वैसे टाइम कि किस टेम्परेचर में कितने टाइम दूध को उबालना चाहिए, यानी कि 72 में कॉन्स्टेंटली उसको 15 सेकेंड्स में, 89 में उसको 1.0, से चार्ट को आप देख सकते हैं।
प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पेशेंट मस्ट बी आइसोलेटेड, पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि दूसरों को ना हो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीसिस ऑफ पेशेंट, मिल्क मस्ट बी पेस्चराइज, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, एंटी फ्लाई मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। एंटी फ्लाई मेजर यानी कि मक्खियों के खिलाफ कोई एंटी फ्लाई मेजर्स लेने चाहिए ताकि वहाँ पर मक्खियाँ ना आ जा सकें। ऑल सस्पेक्टेड कैरीज मस्ट गार्गल विद पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशन, और जो भी सस्पेक्टेड होगा कि जिसको चांसेस लगने का उसे गरारा करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशन का। इंकरेज इम्यूनाइजेशन, इंकरेज करेंगे कि वो इम्यूनाइजेशन करवाएं। हेल्थ टीचिंग अबाउट डिजीज देंगे। पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इफेक्टिवली प्रिवेंट्स पोलियोमेलाइटिस इन मोस्ट, इम्यूनाइजेशन इज़ ओवर 90% इफेक्टिव। और पोलियो की जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन होती है वो प्रिवेंट करती है पोलियोमेलाइटिस को, 90% लोगों को फिर पोलियोमेलाइटिस नहीं होता। प्रोग्नोसिस यानी कि उसका रिजल्ट क्या बनेगा। द आउटलुक डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ द डिजीज, सब क्लिनिकल, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक, एंड द बॉडी एरिया अफेक्टेड। और उसका आउटलुक डिपेंड करेगा कौन सी उसको डिजीज़ हुई है, सब क्लिनिकल, नॉन पैरालिटिक या पैरालिटिक, और कौन से बॉडी का एरिया अफेक्ट किया गया है। इफ़ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर नॉट इन्वॉल्व, विच इज़ इन द केस मोर देन 90% ऑफ द टाइम, कम्प्लीट रिकवरी इज़ लाइकली। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट नहीं हुआ तो 90% रिकवरी उसकी मोर लाइकली हो जाती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट इन अ मेडिकल इमरजेंसी दैट मे रिजल्ट इन पैरालिसिस और डेथ, और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पैरालिसिस और डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं, यूजली फ्रॉम रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो जाती है। डिसेबिलिटी इज़ मोर कॉमन देन डेथ, डिसेबिलिटी ज़्यादा की डिसेबिलिटी मोर कॉमन है डेथ की डेथ से ज़्यादा। इन्फेक्शन दैट इज़ लोकेटेड हाई इन द स्पाइनल कॉर्ड और इन द ब्रेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन्फेक्शन जो कि लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में वो इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। नर्सिंग केयर उसको क्या देंगे, मेंटेन पेशेंट्स एयरवे, लुक फॉर रिस्पायरेटरी वीकनेस एंड डिफिकल्टी स्वॉलिंग। पेशेंट का हम लोग एयरवे देखेंगे कि वो क्लियर है कि नहीं, उसको रिस्पायरेटरी वीकनेस तो नहीं हो रही है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग तो नहीं हो रही। चेक वाइटल साइंस फोर आवरली, उसके फोर आवरली वाइटल साइंस चेक करेंगे। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ हाइपर टेंशन एंड अदर साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज। हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, उसको चेक करेंगे। और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, फ्रीक्वेंटली चेक ब्लड प्रेशर बिकॉज पोलियोमेलाइटिस कॉज हाइपर टेंशन एंड शॉक। सही, उसको फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करेंगे क्योंकि पोलियोमेलाइटिस कॉज करता है हाइपर टेंशन एंड शॉक। वॉच फॉर साइन एंड स्टूल इंफेक्शन कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन एंड इंटेस्टिनल इनएक्टिविटी। उसको हम लोग स्टूल देखेंगे कि साइन ऑफ स्टूल इंफेक्शन की कितनी देर में वो स्टूल करता है, या डिहाइड्रेशन की वजह से तो कोई अफेक्ट नहीं हुआ, या इंटेस्टिनल इनएक्टिविटी की वजह से तो स्टूल नहीं दे रहा, तो वो भी देखेंगे। इंकरेज पेशेंट टू टेक 2.5 to 3 liters ऑफ फ्लूइड। पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो 2.5 to 3 liters ऑफ फ्लूइड डेली इंटेक करें। प्रोवाइड स्किन केयर एवरी शिफ्ट फॉर बेड रिडन पेशेंट्स, अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो उसको स्किन केयर प्रोवाइड करें हर एवरी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में। पोजिशनिंग टू आरली उसको करेंगे अगर बेड रिडन होगा। ऑब्जर्व फॉर यूरिन रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि उसका अगर ब्लैडर फुल है लेकिन वो जब यूरिनेट करता है तो वो फुली एम्प्टी नहीं होता, तो यूरिनरी रिटेंशन कहलाता है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, से इमोशनल सपोर्ट भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे और उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी। इंकरेज फॉर फॉलोअप्स एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, पेशेंट को इंकरेज करेंगे वो अपने फॉलोअप्स को जारी रखे और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लें। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी वजह से, निमोनिया, पैरालिसिस, एट्रोफी ऑफ द मसल्स, एस्पिरेशन, निमोनिया, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी स्टोन्स, ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।